हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर ऑनलाइन क्लासेस। मायसेल्फ राजकुमारी शर्मा, हिंदी टीचर ऑफ क्लास वन। बच्चों, आज हम रिमझिम किताब का जो है लेसन फोर पढ़ेंगे। तो आज हमारा विषय है पत्ते ही पत्ते। तो इसके बारे में हम थोड़ा पहले बातचीत करेंगे। आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे पेड़ आपके बगीचे में भी होगा, घरों में भी होगा। तो सभी पेड़ों के पत्ते जो है एक जैसे नहीं होते हैं। सभी पेड़ों के पत्ते अलग अलग तरह के, कोई लंबा होता है, कोई छोटा, कोई जो है गोल होता है, तो कोई खुरदरा होता है और कोई मुलायम पत्ता होता है कि नहीं, आप लोगों को मालूम है। तो उसी के बारे में आज हम जो है पढ़ेंगे पत्ते ही पत्ते। चलिए पढ़ेंगे। दीदी बोली, मैं 5 तक गिनूंगी। गिनती शुरू करने से पहले तुम लोग गोला बनाकर बैठ जाओ। 1, 2, 3, 4। तो कक्षा की दीदी जो है बच्चों को बुलाकर बोलती हैं कि आप लोग जो है मैं गिनती शुरू करने से पहले जो है मैं 5 तक गिनूंगी और गिनती करने से पहले आप लोग जो है सभी लोग गोला बनाकर बैठ जाइए। 1, 2, 3, 4 इस तरह से और 5 ऐसे करके जो है आप लोग गोला बनाकर बैठ जाइए, मैं पढ़ाऊँगी। 5 बोलने से पहले ही मैं दौड़ी और दूसरे पेज में पढ़ेंगे धड़ाम से बैठ गई। उधर दीदी ने गिनती पूरी की और उधर हम सब गोला बनाकर बैठ गए। तो इसी तरह से 4 तक गिनी थी दीदी और 5 गिनने से पहले ही जो है मैं आकर वहाँ पर धड़ाम से यानी जल्दी से जो है बैठ गई। और उसके बाद दीदी की गिनती जो है पूरी हुई और हम सब लोग जो है बच्चे 1, 2, 3, 4, 5 करके गोला बनाकर बैठ गए। आज दीदी कई तरह के पत्ते लेकर आई हुई थी, है ना। तो आज दीदी पत्ते लेकर आई थी, कितने सारे पत्ते, तरह तरह के पत्ते। हमने पत्तों को अच्छे से देखा। कुछ पत्ते लंबे थे तो कुछ गोल थे, एकदम गोल, कुछ छोटे, कुछ बड़े। तो इसी तरह से बच्चों, आप अपने बगीचे में या आप अपने गमले में जो है फूल के पौधे लगाए होते हैं तो कई तरह के जो है उसमें से आप पत्तों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो कुछ जो है लंबे होते हैं, कुछ पत्ते जो है गोल होते हैं और कुछ जो है एकदम से गोल होते हैं और कोई छोटा होता है तो कोई बड़ा पत्ता। अब दूसरे पेज में जाएंगे। एक था लाल, एक पत्ता पीला और कथई रंग का था। तो एक जो है पत्ते का रंग कैसा था, लाल रंग का, और एक पत्ता का रंग जो है पीला और कथई रंग का था। देख रहे हैं आप यहाँ पर तस्वीर में देख रहे हैं, आधा पीला है, आधा जो है कथई रंग का है। एक पत्ते पर नसें दिख रही थी। तो एक पत्ता जो है दिख रहा है यहाँ पर आपको तस्वीर में, इसकी देखिए ये सारी जो है नसें दिखाई दे रही थी, है ना, इसको नसें बोलते हैं। एक पत्ता कतरीला था। कतरीला यानी आप जो है पपीता का पेड़ का पत्ता देखे हैं, उसके जो है कटे हुए ऐसे होते हैं, है ना, ये देख रहे हैं आप, तो इसको कहते हैं कतरीला। एक पत्ते का डंठल एकदम सीधा था। आप डंठल देख रहे हैं, आम के पत्ते का जो है एकदम सीधा होता है, ये देख रहे हैं, इसको डंठल कहा जाता है, है ना। उसके बाद आते हैं, एक पत्ता झालर वाला था। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं ये झालर बोलने से यहाँ पर जो थोड़ा थोड़ा मुड़ा हुआ है इसको कहते हैं झालर। अब दूसरे पेज में आएंगे। हमने पत्तों को छूकर देखा। तो पत्तों को छूने से ही पता चलता है कि वो कैसा है, मुलायम है या खुरदरा है। तो हम जब तक छुएंगे नहीं उसे पता नहीं चलेगा, है ना। कोई पत्ता एक तरफ से मुलायम था। छूने पर जो है हमें हाथों से क्या पता चलता है, कुछ मुलायम पता चलता है तो कुछ जो है खुरदरे, तो दूसरी तरफ से खुरदरा। तो कुछ पत्ते बंधनवार जैसे लग रहे थे। आप देख रहे हैं ये पत्ते जो है छोटे छोटे इसके पत्ते लगे हुए हैं इस पत्ते में, तस्वीर में देख रहे हैं कि नहीं, तो इसी तरह ये जो है बंधनवार लग रहे थे। तो बच्चों आप समझ गए। अब दूसरे पेज में आएंगे। आपको अपने करने की बारी है। जैसे देखिए बगीचे में जाओ, पत्ते देखो, उन्हें हल्के से हाथ लगाओ, कैसा लगा, आपस में बातें करो, अपने आसपास से तरह तरह की पत्तियां इकट्ठी करो, इन पत्तियों को कागज़ पर चिपकाओ, नीचे दी गई जगह पर पत्तियों के चित्र भी बनाओ। यहाँ पर जो आपको छोड़ा गया है जगह, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर कई तरह के जो है पत्ते
पत्तों का जो है चित्र बनाएंगे, पत्ते का पटाखा। तो बच्चे खेलने के लिए बनाते हैं, सामान जो है क्या क्या लगेगा, एक पत्ता बनाने का तरीका कैसे बनाएंगे। एक पत्ते को अपने हाथ की थोड़ी खुली मुट्ठी पर रखो, तो ये दिखा रहा है तस्वीर में, जैसे आप देख रहे हैं कि नहीं, यहाँ खुली मुट्ठी पर रखेंगे। और दूसरे तस्वीर में देखिए, आप दूसरी हथेली से कसकर पत्ते पर वार करो, यानी पत्ते के ऊपर जो है दूसरे हाथ से वार कर रहा है, पीट रहा है। तुम्हें एक गुब्बारे से फटने जैसी आवाज़ सुनाई देगा। अब देखिए, जानो पत्ते को मारने की बजाय उसमें अपनी उंगली घुसाकर छेद बना लो। अब हाथ से वार करो, क्या फटाके जैसी आवाज़ आई, तो आप करके देखेंगे, है ना। अब चलेंगे दूसरी पेज पर। आप यहाँ पर कुछ तस्वीरें देख रहे हैं, जैसे स्कूल का बस है। यहाँ पर देखिए सर्व शिक्षा अभियान लिखा गया है, यानी एक स्कूल का यहाँ पर चित्र आपको दिया गया है, प्राथमिक विद्यालय। यहाँ पर जो ऑटो रिक्शा, स्कूटर, स्कूटर पर एक आदमी बैठा हुआ है, कुछ बच्चे खेल रहे हैं, टीचर जो है उनकी निगरानी कर रहे हैं। और यहाँ पर बस स्टॉप का दिया हुआ है, यहाँ पर लोग जो है खड़े होकर बस का इंतज़ार करते हैं। यहाँ पर आपको एक लेटर बॉक्स का चित्र दिया हुआ है। यहाँ पर भी देखिए, स्कूल के बरामदे में बच्चे जो है कुछ खेल रहे हैं और कुछ टीचर बात कर रहे हैं। इसके बाद हम आएंगे दूसरे पेज में। घर कैसे जाओगी, आपको यहाँ तस्वीर में दिखाया गया है, एक रिक्शा है, साइकिल है, बस है, और यहाँ पर एक लड़की खड़ी है। तो यहाँ पर लिखा है, देखिए, मैं डेस्क से जाती हूँ, तो यहाँ पर हम लिखेंगे मैं साइकिल से जाती हूँ। यहाँ साइकिल से लिखेंगे तो ये हमारा बन गया मैं साइकिल से जाती हूँ। तुमने इनमें से किसकी सवारी की है, सही पर हाँ या नहीं का निशान लगाओ। तो देखिए यहाँ पर कुछ सवारी के जो है चित्र दिए गए हैं, जिस पर कि हम बैठकर जाते हैं एक जगह से दूसरे जगह। तो पहले दिया है आपको रिक्शा का चित्र, यहाँ रिक्शा लिखा हुआ है, मैंने सवारी की है। वहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको सही मार्क का निशान लगाएंगे। मैंने सवारी नहीं की है, यहाँ पर गलत का निशान लगाएंगे। अब देखिए बस का चित्र दिया गया है, तो बस में हम बैठकर एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, तो मैंने सवारी की है, मैं यहाँ पर आप सही का निशान लगाएंगे। मैंने सवारी नहीं की है, यहाँ पर गलत का निशान लगाएंगे। रेलगाड़ी, रेलगाड़ी क्या देख रहे हैं, तो इसकी हम सवारी कर चुके हैं, इसलिए यहाँ पर हम देंगे सही का निशान और यहाँ पर गलत का निशान देंगे, मैंने सवारी नहीं की मैं। बैलगाड़ी, बैलगाड़ी में भी हम बैठकर कहीं आ जा सकते हैं, है ना, तो यहाँ पर भी हम सही का निशान लगाएंगे, यहाँ पर गलत का निशान। साइकिल, साइकिल की भी हम सवारी हर दिन करते हैं, तो इस तरह यहाँ पर सही का निशान लगाएंगे, यहाँ पर गलत का निशान। ऊँट, ऊँट की सवारी हम लोगों ने नहीं की है, ये जो है मेले में किया जाता है, इसलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर गलत का निशान लगाएंगे और यहाँ पर सही का निशान लगाएंगे। स्कूटर, स्कूटर पर हम लोग बैठते हैं, तो यहाँ पर जो है हम सही का निशान लगाएंगे और मैंने सवारी नहीं की है मैं गलत का निशान लगाएंगे। भैंस, भैंस में जो है गलत का हम निशान लगाए, यहाँ पर हमने सवारी नहीं की है, तो यहाँ पर हम जो है इसको गलत का निशान लगाएंगे और यहाँ पर हम जो है मैंने सवारी नहीं की है मैं सही का निशान लगाएंगे। हो गया, अब दूसरे पेज में आते हैं बच्चों। तुम कैसे जाते हो, दादी के घर, तो अपने दादी के घर में आप कैसे जाते हैं, किसी सवारी में बैठकर ही जाएंगे, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे बस से। आपका फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है, तो इसीलिए यहाँ पर हम लिखे बस से। सिनेमा देखने, यहाँ पर रिक्शा, रिक्शा से जाते हैं कि नहीं। स्कूल, स्कूल बस से। हाट या बाजार, तो इसको हम साइकिल लिखेंगे, क्योंकि साइकिल में अधिकांश लोग जो है बाजार करने जाते हैं। अब आते हैं नीचे, देखिए यहाँ पर भी आपके कुछ तस्वीर दिए गए हैं सवारी किए हुए, तो यहाँ पर जो है सवारी का लिखा हुआ है, यहाँ पर टिकट लगेगा, पैसा लगेगा और यहाँ पर मुफ्त। तो हम देखिए रेलगाड़ी, पहले रेलगाड़ी का हम लिखेंगे, टिकट लगेगा हाँ लिखेंगे,
पैसा लगेगा, टिकट लेने के लिए पैसे देने पड़ते हैं, इसलिए हाँ लिखेंगे। मुफ्त यानी बिना पैसे दिए हुए, तो यहाँ पर हम नहीं लिखेंगे। भैंस, भैंस की सवारी में टिकट नहीं लगता है और पैसे भी नहीं लगते हैं, और मुफ्त में लिखेंगे हाँ। रिक्शा, रिक्शा में टिकट नहीं लगता है, है ना, तो इसको हम जो है नहीं लिखेंगे। और पैसा लगेगा में हाँ लिखेंगे, मुफ्त में नहीं लिखेंगे। साइकिल, साइकिल में टिकट नहीं लगता है, पैसा भी नहीं लगता है, मुफ्त होता है ये, इसमें पैसे नहीं लगते हैं, इसलिए इसमें हाँ लिखेंगे मुफ्त में। ऊँट, ऊँट में टिकट लगेगा, पैसे लगेंगे, मुफ्त में नहीं। बैलगाड़ी, बैलगाड़ी में टिकट नहीं लगता है, पैसा भी नहीं लगता है, और ये जो सवारी हमारा मुफ्त होता है, इसलिए यहाँ पर हाँ लिखेंगे। बस, बस में टिकट लगेगा, टिकट लेकर हम बैठते हैं बस के अंदर, तो टिकट लेने के लिए पैसे देने पड़ते हैं, इसलिए यहाँ पर पैसे में, पैसे लगेगा में हाँ लिखेंगे और मुफ्त में नहीं लिखेंगे। गोदी, माँ जो है बच्चों को, छोटे बच्चों को जब गोदी में उठाती हैं तो वहाँ पर जो है टिकट नहीं लगता है, है ना, और न ही पैसे देने पड़ते हैं, तो ये गोदी जो है, गोदी की सवारी जो होती है हमारी मुफ्त होती है, मम्मी हमें बिना पैसे लिए जो है छोटे बच्चों को गोदी में उठाते हैं। तो बच्चों आज इतना ही, कल दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे। थैंक यू।